जय हिंद साथियों, आज बलेनो कार है मारुति की। इसके जो ब्रेक हैं, एक्सीडेंट हुई थी गाड़ी, किसी ने रिपेयर की है, ये डेंटर ने, और वहाँ पे इसके ब्रेक सेट नहीं आए। तो ब्रेक सेट अब जो करने हैं, उसका रीज़न क्या था कि जो इसके अंदर है एबीएस की ब्लीडिंग ना करवाने की वजह से इसके ब्रेक सेट नहीं हो पाए, जिसकी वजह से इसके ब्रेक सेट नहीं हो पाए। कभी चिपक जाते हैं ब्रेक, कभी लग नहीं पा रहे ब्रेक, क्योंकि एबीएस प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा। और एबीएस की ब्लीडिंग कैसे करवानी है वो हम आपको वीडियो के माध्यम से जरूर बताएंगे। तो उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने पीछे के जो अगले दोनों साइड के टायर उतार लिए हैं, और व्हील सिलेंडर इसका हमने चेंज कर दिया है, एक खराब था एक चेंज कर दिया है, और ये दोनों साइड के लेदर हैं इसके ब्रेक शू हैं जो, ये चेंज कर दिए हैं, और दोनों ड्रमों को टूल लगवा दिया। आगे के कस्टमर के अनुसार पहले चेंज हुआ है ब्रेक पैड, और टूल भी लगवाया हुआ है आगे के जो लेदर है ब्रेक पैड है जो। तो साथियों, हमने पीछे के दोनों टायर खोल लिए हैं, और अभी इसके अंदर ब्लीडिंग पाइप लगा देंगे, निप्पल इसके अंदर जो जो लगी हुई निप्पल, यहाँ से इसको लूज करके इसके अंदर लगाएंगे ब्लीडिंग पाइप, और उसको खोल देंगे। फिर खोल के इधर से स्कैनर के साथ में हम ब्लीडिंग करवाएंगे इसको। तो ब्रेक ऑयल, पहले आपको सबसे पहले क्या करना है कि ब्रेक ऑयल को पूरा कर लेना है इसके अंदर ब्लीडिंग से, एबीएस की ब्लीडिंग करवाने से पहले ब्रेक ऑयल पूरा कर लेना है। मैंने एक नई बंद पड़ी है, एक अभी खोल लिया है। तो उससे पहले ब्रेक ऑयल पूरा करना, और उसके बाद में स्कैनर को आपने अंदर लगा लेना है। तो साथियों, सबसे पहले आपको इसका इग्निशन स्विच ऑन कर लेना है, और ये हमारे पास PS70 Pro है, एक्स टूल का PS70 Pro, इसके साथ हम ब्लीडिंग करेंगे। इसको ऑन कर लिया, देख सकते हैं आप, जैसे ही आप इसके फंक्शन ऑन करोगे ये ऐसा कुछ फेस आएगा आपके सामने, इसका पेज आएगा। और अभी आपको डायग्नोस्टिक में जाना है, आगे जाना इंडिया, इंडिया के बाद में कौन सी कंपनी की गाड़ी है, मारुति की है मारुति में जाना है, हुंडई की है तो हुंडई में जाना है, और टोयोटा की टोयोटा में जाना है, जैसे टाटा की टाटा में जाना है। तो साथियों, इसके बाद हमारी गाड़ी अब मारुति की बलेनो तो मारुति में जाएंगे। इसके बाद मैनुअल सिलेक्शन इंडिया, अब यहाँ पे गाड़ी को चेक करना कौन सी गाड़ी है इसमें, गाड़ी हमारी अभी इसमें सुजुकी में जाएंगे, ओल्ड मिनू में जाएंगे, इसमें देखते हैं गाड़ी हमारी है या नहीं है। इसमें न्यू बलेनो ये देख लेते हैं हम, न्यू बलेनो अभी ये है इंडिया, बलेनो का ये आ गया आपका बॉडी सेल नेम आ गया इसका, पहले इसमें देख लेते हैं इसको, कुछ टाइम लेगा, टाइम के बाद में इसको ओके कर देना है, ओके कर देना है। फिर अभी सिस्टम सिलेक्शन, सिस्टम सिलेक्शन के बाद में ECM PCM ABS EPS एयरबैग IPC EPS BCM ये आएंगे, हमें ABS के ऊपर काम करना है। ABS के बाद में अभी रीड फॉल्ट कोड, इसके अंदर आया हुआ है लेफ्ट फ्रंट व्हील स्पीड, राइट फ्रंट व्हील स्पीड, तो इसको हमने एक बार कर देना क्लियर। ओके, स्पेशल फंक्शन में जाएंगे, हाइड्रोलिक कंट्रोल टेस्ट, जैसे इसको दोबारा से मैं चला के दिखाऊंगा आपको, वीडियो पूरा समझ में आना जरूरी आता है। ओल्ड मीनू में गए हम जैसे ही, तो साथियों न्यू बलेनो आ गई है, क्योंकि बलेनो का मॉडल एक पहले पहले भी होता था पुराना, जो स्टीम के जैसा आता था। इंडिया में गए, बलेनो में गए, जैसे जैसे मैं करता जाऊंगा वैसे वैसे आप कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लेता है ये इंटरिंग, अभी ओके कर देना इसको, फिर ओके कर देना है। अभी एक बार इसको आपने स्कैन करके देखना तो देख लेना, ये जैसे ABS में जाएंगे, ABS का काम है, तो इसको रीड नोट फोल्ड कोड, तो अभी इसमें हम स्पेशल फंक्शन में जाएंगे, रीड दोबारा से दिखा दे, तो ABS रीड कोड करके देख लेना, कोड है तो क्लियर कर देना, नहीं तो स्पेशल कोड में जाना है इसे, स्पेशल फंक्शन में हाइड्रोलिक कंट्रोल टेस्ट, साथियों इसको ओके कर देना आपने। अभी ये आएगा, दिस फंक्शन इज यूज टू चेक वेदर द ब्रेक आर प्रॉपरली असेंबल्ड आफ्टर रिप्लेसिंग द ABS ESP और हाइड्रो यूनिट और कंट्रोल मॉड्यूल। ओके, अभी इसके अंदर साथियों ये देख सकते हैं आप, बोल रहा है
एक्सट्रैक्ट बार टू एम्प्टी शिफ्ट लेवर एंड पोजिशन ट्रांसफर लेवल टू फॉरवर्ड या टूवर्ड पार्किंग ब्रेक प्लीज व्हीकल लिफ्ट अप व्हेन यू आर, यानी कि नीचे आपको इसको गाड़ी को इंजन स्टॉप होना चाहिए, देख सकते हैं। चेक द फ्लोइंग आइटम प्राइमरी पाइपिंग एयर ब्लीडिंग, यानी कि पाइप को कंप्लीट और निप्पल खोल लेनी है आपको। तो अभी हम इसको ओके करेंगे, इसको यार यहाँ रखेंगे। ये बोल रहा है राइट फ्रंट लेफ्ट फ्रंट राइट रियर लेफ्ट रियर। अभी हमने हमारा जो लड़का है वो गया है रियर लेफ्ट, खोल दिया भाई पूरा खोल दिया निप्पल, जिस तरह तीन चार चौड़ी चौड़ी खोल दिए, खोल दी। तो साथियों हमने लेफ्ट का रियर खोल दिया, तो इसको ओके कर दिया है। वेट फॉर एस, अभी करेंगे नेक्स्ट। ये एबीएस शोर शराबा करेगा थोड़ा, अभी आगे से आवाज आ रही है। बोलिया जी, ना जी। साथियों जैसा कि मैंने बताया आपको, जो ये प्लेनो कार है इसका हमने ब्रेक का जो काम किया है, कई दफ़ा कई मैकेनिकों को दिखाया गया इसको, तो इसके अंदर का जो फॉल्ट है वो समझ में नहीं आ पाया था। एक्चुअली में क्या हुआ था, गाड़ी थी एक्सीडेंट हुई और एक्सीडेंट होने की वजह से इसकी आगे की फिटिंग खोली गई थी, जिसमें एबीएस भी खोला गया था। तो मैकेनिक भाई के पास, जिसके पास खड़ी थी ये कार, उसने इसका एबीएस तो खोल दिया बट फिटिंग भी कर दी। फिटिंग करने के बाद में एबीएस की ब्लीडिंग नहीं करवाई और उसी वजह से इसकी ब्रेकों की जो समस्या थी वो आ रही थी। अभी मैंने ब्रेक बनाए हैं इसके, बिल्कुल ओके हैं ब्रेक, अभी ट्राई लेके देखेंगे और फिर कस्टमर को सौंप देंगे। तो मिलेंगे कभी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।